कानपुर के एक प्राथमिक स्कूल में बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कानपुर के बर्रा में बने प्राथमिक स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है। बरसात के मौसम में स्कूल की छत से पानी टपक रहा है। छत से इतना पानी गिरता है कि बच्चों के बैठने की जगह तक नहीं है। स्कूल के समय अगर भवन की छत गिर गई तो ना जाने कितने मासूम बच्चे अपनी जान से हाथ गंवा बैठेंगे। लेकिन शिकायत करने के बाद भी कोई इसकी सुध नहीं लेता है। इस संबंध में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जांच करने की बात कही। यहाँ पर बच्चे जान हथेली में लेके पढ़ रहे हैं और मैडमें भी जान हथेली में लेके पढ़ा रही हैं। बच्चे छाता लेके पढ़ते, कब किस वक्त कोई घटना हो जाए कोई भरोसा नहीं। लेके पानी बरस रहा है, पानी गिर रहा है, बच्चे भी कैसे क्या। योगी सरकार ने अभी आपका शिक्षा बजट ना पास किया और कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ कुछ भी किसी वक्त भी अनहोनी हो सकती है। तो स्कूल्स की छत से बारिश का पानी टपकता है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कानपुर के एक स्कूल की ये तस्वीर है। जब इसके बारे में प्रशासन को बताया भी जाता है तो प्रशासन इस चीज से कन्नी काटता नजर आता है। और जब इसकी खबर बेसिक शिक्षा विभाग को दी तो उसने इस स्कूल का मुआयना करने की बात जरूर कही है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूल की छत से पानी गिर रहा है। और आप सोचिए ऐसी स्थिति में बच्चे क्या पढ़ेंगे। हमने कार्य प्रारंभ किया है, देखना एक साल का प्रकरण क्या है। संज्ञान में आप दे रहे हैं, ला रहे हैं, तो उसको हम देख लेंगे। जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, जो भी व्यवस्था अच्छी करनी होगी करें।